फर्स्ट T20 मैच जो कि खेला जाएगा बांग्लादेश वर्सेस इंडिया के बीच। इस वीडियो में आपको इस मैच के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी, जैसे कि पिच रिपोर्ट्स, प्लेयर बैटर और साथ ही साथ आपको इस वीडियो में मेरा खुद का मैच प्रेडिक्शन भी बताया जाएगा। आखिर मुझे क्या लगता है कौन सी टीम इस मैच को जीत सकती है, क्या इस मैच को इंडिया की टीम जीतेगी या जीतेगी बांग्लादेश की टीम, इस सारा कुछ ही आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए जो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहें। चलिए आज की हमारी इस वीडियो को हम लोग यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर पिच रिपोर्ट के बारे में, क्योंकि आपको पता ही होगा कोई मैच जीतने के लिए पिच रिपोर्ट कितना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ये जो मैच है MPCA क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा जो कि इंडिया में रहने वाला है। वहीं अगर बात करें इस मैच की टाइमिंग की, तो ये मैच आपको 6 अक्टूबर को शाम को 7 बजे TV पे देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर हम बात करें स्टेडियम के पिच रिपोर्ट के बारे में, तो मैं आपको बता दूं ये जो स्टेडियम है यहाँ पे अच्छा खासा स्कोर जाते हुए दिखाई देता है। एवरेज स्कोर जो रहा है T20 में वहाँ पर 146 रन से 163 रन के बीच रहा है। वहीं अगर बात करें इस पिच के अब तक के हाईएस्ट टोटल रन की, तो इस पिच का अब तक का हाईएस्ट टोटल रन 278 रन का है, जो कि BL की टीम ने MP की टीम के खिलाफ बनाया था। वहीं अगर बात करें इस पिच के अब तक के लोएस्ट टोटल रन की, तो इस पिच का अब तक का लोएस्ट टोटल रन 51 रन का है, जो कि MP की टीम ने GL की टीम के खिलाफ बनाया था। वहीं अगर बात करें इस पिच के अब तक के हाईएस्ट चेस रन की, तो इस पिच का अब तक का हाईएस्ट चेस रन 198 रन का, जो कि MP की टीम ने GC की टीम के खिलाफ इतने रन चेस किए थे। वही अगर बात करें इस पिच के अब तक के लोएस्ट डिफेंडर रन की, तो इस पिच का अब तक का लोएस्ट डिफेंडर रन 155 रखा है, जो कि MP की टीम ने GC की टीम के खिलाफ इतने रन डिफेंड किए थे। वहीं अगर हम बात करें इस पिच पर खेले गए लास्ट के 12 T20 मैचेस के बारे में, तो मैं आपको बता दूं इस पिच पर जो लास्ट मैचेस खेले गए हैं उसमें फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम भी 50% ही मैच जीती है, वहीं पर फर्स्ट बॉलिंग करने वाली टीम भी यहाँ पर 50% ही मैच जीती है। ये तो हो गया पिच रिपोर्ट। अब हम बात कर लेते हैं दोनों टीमों के यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में, क्योंकि आपको पता ही होगा कोई मैच जीतने के लिए हेड टू हेड रिकॉर्ड भी कितना ज़्यादा जरूरी हो जाता है। इन दोनों टीमों के जो लास्ट के 10 मैचेस खेले गए हैं उसमें से 9 मैच इंडिया की टीम जीती है, वहीं पर एक मैच सिर्फ बांग्लादेश की टीम जीतकर आ रही है। वहीं अगर बात करें इन दोनों टीमों के जो लास्ट के 3 T20 के मुकाबले खेले गए थे, वहीं पर तीनों के तीनों ही मैच यहाँ पर इंडिया की टीम ही जीतकर आ रही है। बाकी अगर आप लोग किसी प्लेटफॉर्म पर टीम बनाते हो, तो आप अपनी टीम में फास्ट बॉलर को शामिल कर सकते हो, क्योंकि इस पिच पर जो लास्ट मैचेस खेले गए हैं उसमें फास्ट बॉलर ने 65% विकेट लिया है, वहीं पर स्पिन बॉलर ने 35% ही विकेट लिया है, इसीलिए आप अपनी टीम में फास्ट बॉलर को शामिल कर सकते हो। तो चलिए अब बात कर लेते हैं फाइनली हम मेरे खुद के मैच प्रेडिक्शन के बारे में। तो मुझे जहाँ तक लगता है दोनों टीमों के रिकॉर्ड्स को देखने के बाद, ये मैच आपको इंडिया की टीम जीतते हुए दिखाई दे सकती है, बट ये मैच का फाइनल प्रेडिक्शन नहीं रहने वाला है, क्योंकि आपको पता है बांग्लादेश की टीम भी तगड़ी है, वो भी इस मैच को जीत सकती है। इसलिए अगर आपको इस मैच का मेरा फाइनल प्रेडिक्शन चाहिए, या कह सकते हैं मेरे मैच का फाइनल अपडेट चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जाकर ज्वाइन कर लें। लेकिन टेलीग्राम पर जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। मिलते हैं आपको कोई और वीडियो में कोई और मैच की जानकारी लेके, तब तक के लिए।